हेलो जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक और नए वीडियो में। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शोभित। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज मैं निकल रहा हूं दिरांग से तवांग के लिए, जो कि 126 किलोमीटर का डिस्टेंस है और जो कि मैं आज कवर करूँगा। तो भाई मौसम सुहाना है, अच्छा मौसम, ये देखो। तो अभी हम यहाँ पर भाई के साथ जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, फिर इसके बाद यहाँ से निकलते हैं। तो ये भाई से मिलके काफ़ी अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा हेल्प की भाई इन्होंने मेरी। इनका रेस्टोरेंट है यहाँ पे, आपको काफ़ी सस्ते रेट में खाना मिल जाता है खाने के लिए, तो आप यहाँ पे आ सकते हो भाई। तो ये भाई ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आपको बहुत सस्ते रेट में खाना मिल जाता है भाई। पहाड़ों की उम्मीद में जान, आप यकीन नहीं करोगे, उस रेट में खाना मिल जाता है और फ्रेश मिलता है। तो ये देखो काफ़ी प्यारा है और ये बुद्धिस्ट विलेज है, तो यहाँ पर आ सकते हो भाई। ये रेस्टोरेंट है और यहाँ से व्यूज़ देखो कितना गजब का आता है। ये रोड है जो कि तवांग के लिए जाती है और व्यूज़ देखो कितना गजब का आ रहा है ना, एकदम मस्त। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जाओ भाई। इस रेस्टोरेंट का नाम देख लो, ये है। और ये जब दिरांग में आते हो तो भाई यहाँ पर अगर 20 रुपये लेके आते हो ना, तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है। तो अभी मैंने चाय पी थी, यहाँ की लोकल नमक वाली चाय। ये इसको लोसर में दिया जाता है, तो ये हमारे यहाँ नमक पारा बोलते हैं, तो वो हमने यहाँ पे खाया था। और अभी यहाँ से निकलने की बारी है, क्योंकि जल्दी निकलेंगे तभी पहुँचेंगे। तो अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, ये मेरे बैग रखें। तो गाइस हम निकल पड़े और अपनी मंजिल की ओर। तो आज अपना टारगेट है तवांग 126 किलोमीटर। और भाई यहाँ की एक ख़ास बात बताता हूँ, क्या यहाँ पे लड़के लड़कियाँ सब दारू पीते हैं भाई। जय जो उनसी ब्रांड ला के रख दो, ख़त्म हो जाएगी, खाली हो जाएगी। सुबह सुबह का माहौल है, मार्केट एकदम ठंडी, यहाँ पर शाम को एकदम चमकती मार्केट, लोग दिखाई देते हैं। और मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ तवांग। तो यहाँ पे भाई हम रुके हुए थे, यहाँ का पूरा वीडियो बना के डाल दिया है, तो आप ज़रूर देख लेना। और यहाँ से अभी मैं निकल रहा हूँ, तो गाड़ियाँ वगैरह दिख नहीं रही, पर चलते रहेंगे, आज पहुँचते हैं, अपना टारगेट अचीव करते हैं। रामा कैंप के नाम से जाना जाता है, इस विलेज का नाम है। और अभी यहाँ से निकलना। गाइस ये रास्ता देख रहे हो, ये रोड खाली है, और बिना पैसों के ट्रैवल करना इतना आसान नहीं होता मेरे दोस्त। ज्ञान देना आसान है, करना मुश्किल है। तो आप ज्ञान, अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते, ज्ञान भी मत दो। देखो भाई, पहाड़ों का जो पानी होता है ऐसे स्टोर करते हैं, और ये पानी कंटिन्यू चलता रहता, वरना अगर बंद हो जाएगा तो ये टंकी में ही पानी बर्फ़ जम जाएगी। ये पानी ऐसे रोड उस पार ले जा रहे हैं, नीचे भी टंकी है। तो आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो फिर पहाड़ों पे अरुणाचल प्रदेश मत आना, क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो शायद खाना बिना खाए सोना पड़ेगा आपको। क्योंकि कल मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मुझे नॉनवेज मिल रहा था पर वैसे वेजिटेरियन नहीं मिल रहा था। तो वह तो अच्छा हुआ था, जहाँ पे मैं रुका था वो भाई रेस्टोरेंट में काम करता था, उसने मुझे खिला दिया था। तो अभी मैं हूँ 42,000 फिट ऊपर, ये देख लो। गाइस एक घंटे बाद पूरे लिफ्ट मिली है, और ये भैया ने दिया नई गाड़ी से, देखते हैं कहाँ तक जाएंगे। तो गाइस फाइनली मुझे मिल गई तवांग के लिए लिफ्ट। तो गाइस तवांग 128 किलोमीटर है, फाइनली मुझे ये भैया ने लिफ्ट दिया है। भैया क्या नाम है आपका? और ये भाई साहब मुझे तवांग तक का छोड़ देंगे, तो देख लो भाई, और नई गाड़ी से जा रहे हैं हम। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखो भाई रास्ते कैसे हैं, तो फुल इंजॉय एडवेंचर करते हुए जा रहे हैं भाई। अब हैवी ड्राइवर आर्मी गाड़ी को पीछे करवा दिया भाई ने। देख रहे हैं, उस्ताद को मानना पड़ेगा इस बात के लिए। तो ये उस्ताद है भाई, क्या कमाल के ड्राइवर है। क्या तो पीछे करो पीछे करो भाई। आज हमको इंडियन आर्मी के कैप्टन साहब से मिलने का मौका मिलने वाला है, तो हम चल रहे नीचे मिलने के लिए। ये रही कैप्टन साहब की गाड़ी, देखो 42,000 फीट ऊपर हैं हम लोग, तो कैप्टन साहब ये रहे हमारे। इस मिल के अच्छा लगा। और ये देखो माउंटेन रेंज पे चल रहे हैं हम, व्यूज आ रहा, देख रहे हो। और देखो हम तुम्हारा भाई आ चुका है 42,000 फीट ऊंचे, और ये देखो ये बर्फ़ पड़ी है कल की। और ये देखो पूरा इंडियन आर्मी का ही सारा कुछ है, यहाँ पर सिर्फ आर्मी आर्मी दिखाई दे रही, देख रहो ये सारा कुछ, आर्मी का टेलर शॉप और कैंप वगैरह, इंडियन आर्मी गाड़ी, रेस्टोरेंट, सारा कुछ आर्मी वालों का। और व्यूज़ देखो भाई साहब, लग रहा ना आसमान में आ चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा
ऑक्सीजन की कमी है, तो यहाँ पे जो भी आ रहा हो आराम से आना, अच्छे से आना। आपको दिखा रहे हैं आर्मी का जो कैंप होता है, मतलब सामान देख रहे हो, ये आर्मी का सारा सामान, रेस्टोरेंट ओनली फॉर आर्मी के लिए। क्या गजब का लग रहा देख रहे हो गाइस, हम इंडियन आर्मी के साथ साथ चल रहे हैं। और भाई देखो कहाँ पे चल रहे हैं, एकदम बादलों पे आ चुके हैं, एकदम चोटी पे, बर्फ मतलब पहाड़ों की चोटी में। और बाहर हवा देखो कितनी तेज चल रही है, अंदर कार में बैठे हैं तो समझ नहीं आ रही। और तवांग यहाँ से 81 किलोमीटर, सेला पास आपका 11 किलोमीटर है। सो अब देख लो कैसे जा रहे हैं, और इंडियन आर्मी हमारे साथ चल रही है। देखिए गाइस बर्फ, और सेला पास यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम ऐसे रास्ते जा रहे हैं जो कि इसको हम बेस्ट मानेंगे, बहुत ज़्यादा बेस्ट मानेंगे अगर कंपैरिजन लद्दाख का जो रोड देखेंगे तो। ये देख सकते हैं आप, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है नीचे कितने हज़ार फीट ऊपर हैं, हमें नहीं पता, हमें पता सॉरी 42,000 फीट ऊपर है। और देखो कितना नीचे खाई है। सो ये देखो पहाड़ों पर एकदम नीले नीले बादल को छू रहे हैं ये पहाड़ी चोटियाँ। और आप देखो कैसा रोड है ना, गजब का। सो ऐसे जा रहे हैं, और ये देखो भाई सिंगल रूट है तो हम आराम से चलते हुए जा रहे हैं एंजॉय करते हुए। और ये रोड ऐसे दिखाई दे रहा है आपको कुछ, ये रोड ऐसा है। देखिए भाई साहब बर्फ और रोड देख रहे हैं, बर्फ पूरी एकदम वाइट वाइट सी चादर हो रखी है और ये अभी ताज़ा बर्फ है। और नीचे का व्यूज देखिए मजा आ रही। तुम्हारा भाई फुल एडवेंचर कर रहा। और देखो भाई कार के अंदर बैठे तो वेदर समझ में नहीं आ रहा, बाकी बाहर ठंड है देखो एकदम पहाड़ों की चोटी पे चल रहे हैं हम लोग। वेलकम टू सेला पास। और ये देखिए रास्ता है ना, चोटियों पे आ चुके हैं गाइस हम लोग। और ये देखिए जगह जगह पे हमको आर्मी देखने को मिलती है, और बर्फ ये आपकी ताज़ा बर्फ है तो आप देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा YouTube चैनल है शोभित कलेक्शन व्लॉग्स, उसे सब्सक्राइब करें, और Instagram को फॉलो कर लीजिए जो कि लिंक मिल जाता है आपको। और वेलकम टू तवांग, ये देखिए ये है आपका तवांग गेट, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ से हमको राइडर दिख जाते हैं भाई साहब। ये देखिए भाई साहब बर्फ, क्या बर्फ है, यहाँ से स्नोफॉल हो रही गाइस देख रहे हैं। ये देखिए छोटी छोटी, आपको कैमरे में नहीं दिख रही पर हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए हल्की हल्की आ रही स्नोफॉल, हमारी जैकेट में गिर रही हल्की हल्की। सो स्नोफॉल चालू हो गई है ऊपर, देख सकते हो आप। और यहाँ पे लोग फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं, ये देखिए आई लव सेला पास इसमें लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप फोटो वगैरह खिंचा सकते हैं, यहाँ पे जैसे लोग खिंचा रहे हैं। तो ये राइडर लोग आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, मेहनत करते हैं आने के लिए, जो कि हम भी आ चुके हैं। और भाई रोड वाकई में यहाँ की गजब की रोड है, अच्छी रोड है। और भाई साहब ये देखो रोड जम चुकी है, ओ सारी झील जम चुकी है, ये कोई झील है जो पूरी तरीके से जमी हुई है, देख सकते हैं यहाँ भी। ओ तगड़ा ठंड यहाँ पे, बहुत यहाँ भी ठंडा है मौसम देखो भाई ये देखो पूरा वाइट वाइट, ऐसे लग रहा मिनी लद्दाख में आ चुके हैं गाइस। गाइस यहाँ पे हमने चाय पिया, और ये भैया से हमने विक्स वाली टॉफ़ी ली ताकि इंसेंस कहीं ज़रूरत ना पड़े, और एक दो चॉकलेट लिया मैंने, और भैया ने अपने लिए चिप्स वगैरह स्नैक्स लिया। तो यहाँ पे हमने टी ब्रेक किया क्योंकि लंबा सफ़र है, हम लोग 100 किलोमीटर चल चुके हैं ना भैया, नहीं अच्छा
तो 50 से 60 किलोमीटर फिर भी चल चुके हैं, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है वेदर, कैसा माहौल है। अभी मैं आपको सामने ही दिखा रहा हूँ, और ये देखो बर्फ़ में सारा कुछ हुआ है जमा। ये देखिए गाइस कैसे मतलब आइस जमी हुई है पेड़ों पे यहाँ के, और यहाँ पे आर्मी का ही कैंप सारा दिख रहा है ना। पटाखे, मौसम ख़राब हो रखा है, देख रहे हैं हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही है, तो धुआं उठता हुआ। ये देखिए बादल आ गए एकदम पास में, ये देखिए भाई साहब। रोड में कुछ नजर ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा हम बादलों में आ गए। कितना गजब का लग रहा सुहाना मौसम। और ये देखिए है ना गजब का, सब मजा लीजिए नेचुरल ऑफ ब्यूटी का। कितना सुंदर सुंदर व्यूज आ रहा है, आ रहा है। ये कश्मीर नहीं है दोस्तों, ये है हिमाचल प्रदेश भी नहीं है दोस्तों, ये है अरुणाचल प्रदेश की तवांग घाटी, जो कि आप देख सकते हैं। वो गाड़ी आ रही है और हम ऐसे जा रहे हैं। ये देखिए वाइट वाइट चादर, ये बर्फ की हसीन वादियाँ। ये जो गाड़ी देख रहे हो स्कॉर्पियो एन है, टॉप मॉडल। इसमें सिर्फ चाबी लेके अंदर आओ और चाबी लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप स्टार्ट हो जाती। और देखो बिना बटन दबाए बिना चाबी लगाए हाथ में चाबी लिए, स्टार्ट भी हो गई बंद भी हो गई। तो कैसा लगा फीचर कमेंट करके बताना। अभी तक आपने मच्छी खुले में देखी होगी, अब इसके अंदर भी मच्छी आने लगी। देखा है कभी? मैंने भी ये फर्स्ट टाइम देखा है, देखा है बट मैंने वीडियो में देखा, आज मैंने रियल में दुकान में भी देख लिया। और ये देखो मेरे हाथ में मच्छी का पैकेट है, देख रहे हो इसके अंदर पैक है, जमी हुई अभी हिल नहीं रही। तो ये देख लो ये मच्छी है, और इसका वेट है 125 ग्राम, और ये 65 रुपीज़ का है। आज भाई खाना खाना पड़ रहा है, 150 रुपये एक थाली दिया है, और ये खा रहे हैं दाल है, सब्जी है, और सब्जी कई प्रकार की है, एक ये चटनी है। बाकी खाने जा रहा हूँ, बाद में मिलता हूँ। देखो गाइस यहाँ पे बारिश हो रही है, बहुत तेज़ी से भूख लगी थी, फिर यहाँ पे एक ऐसा ही ढाबा है जो नॉर्थ ईस्ट ढाबा है के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे हमको वेजिटेरियन खाना मिल गया। बाकी अगर ब्लॉगर वगैरह के स्टिकर लेना चाहते हैं यहाँ पे मिल जाते हैं, दारू भी मिल जाती है। और भाई हम काफ़ी दूर आए थे यहाँ पे, चलो चलते हैं। और पता नहीं आज कहाँ पे रुकेंगे यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। और देख रहा हूँ इधर साइड कोई दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ इस ढाबे में ही 2-4 आदमी दिखाई दे रहा, बाकी कोई नहीं दिख रहा। चलो फिर चलते हैं फटाक से। हे भगवान ये क्या हुआ, मेरा दुख का नहीं ख़त्म होता। इधर देखो मैं गाड़ी में फंसा हूँ, चारों तरफ से बंद है गाड़ी, और इधर देखो मौसम भी खराब है प्लस बारिश हो रही है। साला ये दुख काहे नहीं खत्म होता भगवान। और नेटवर्क भी नहीं आ रहा यार गाइस, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ मैं क्या करूँ गाइस। तवांग आ चुका हूँ और शाम हो चुकी है, और प्लस बारिश हो रही है, तूफान भी है, आंधी भी है, सब आ रहा है। एक नो ऑप्शन है ना, यहाँ पे पेट्रोल पंप है ना ही कोई ठीक ठाक गुरुद्वारा है, ना ही कोई मंदिर है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन होता है यहाँ के लोगों से हेल्प लेना, जो कि ये भी बंद हो गया है क्योंकि बारिश हो रही थी, तो एक आधे लोग मिल रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं, पर बच्चों से क्या ही हेल्प होगी। सो अभी एक भाई साहब मिले थे आर्मी वाले, उन्होंने बोला कि नीचे आर्मी क्वार्टर से वहाँ जा कर बात कर लो, चलो वहाँ जा कर देखते हैं। और मैं 2 जगह रिजेक्ट हो चुका हूँ, आके तीसरी जगह पे ऑप्शन लेके जाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। 10 जगह भटकने के बाद ये भाई साहब ने मेरी हेल्प की है, तो यहाँ पे कैंप लगाने के लिए भी मिल गया था। तो भैया बोले कि शराब, बगल में शराब की दुकान है, तो यहाँ के लोगों को तो पता ही है आपको कोई वैल्यू, रूल का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये भाई साहब ने मेरे लिए एक जगह, अच्छी जगह प्रोवाइड करवा दी है। तो भैया आपका क्या नाम है? विक्रम सिंह। विक्रम भैया का नाम है, और काफ़ी अच्छा लगा मिलके, और इन्होंने मेरी हेल्प की, तो थैंक यू सो मच दिल से आपका।
तो ऐसे लोग मिल जाते हैं मुझे और हेल्प हो जाती है, तो आप भी मेरी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि मैं आपसे कोई सोना चांदी पैसा तो नहीं मांग रहा हूँ, जस्ट आपसे हेल्प मांगता हूँ। बाकी आज देखो तवांग में हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो जिसकी वजह से मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो अभी फ़िलहाल ऑप्शन मिल गया। शाम को 7:30 हो रहे हैं, मेरा खाना आ चुका है, चावल है और ये सब्जी है और अचार है, दाल है, तो अभी खाना खाने जा रहे हैं। तो देखो भाई मैंने खाना वगैरह खा लिया है और अभी मैं रुका हूँ होटल में, तो मैं अभी आ चुका हूँ तवांग में। तो यहाँ पे मैंने लोकल लोगों से हेल्प ले ली, तो एक भाई साहब ने अपने देखा ही है, तो उन्होंने मुझे होटल रूम दिला दिया और आपको रूम दिखा देता हूँ कैसा है। और अभी लाइट आ चुकी है तो आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। मुझे ये रूम मिला है 207 और मैंने खाना वगैरह खा लिया है, ताला लगा यार, चाबी खोल ले पहले इसको। देखो भाई ये रूम है, हम यहाँ पे रुके हुए हैं और ये भाई साहब ने हमको रूम करवा दिया था, उनके जान पहचान थे। तो ये बिस्तर है, ये हमारे बैग है और ये टीवी है और ये बाथरूम है, तो बाथरूम दिखा देते हैं। ये बाथरूम है जो कि कुछ इस तरीके से साफ सफाई है और ये शीशा है, तो अच्छी जगह मिल गई है रात को रुकने के लिए। तो धन्यवाद आप सभी भाइयों का जिन्होंने मेरी हेल्प की, जो मुझे सपोर्ट करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जितना बोलूँ कम है। सो शाम को मैं यहाँ पे आ गया था भाई, बर्फ़ गिर रही थी, तो बाहर बहुत ठंडी है, ज़्यादा नहीं है, लद्दाख से कम ही है, तो ठंड है फिर भी हवा चल रही, क्योंकि हवा चल रही है, बर्फ़ गिर रही है, तो अभी फ़िलहाल तो बंद हो गया है। आज रात हम यहीं पर रुक रहे हैं और एक बार आपको फिर से शुक्रिया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो पे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो और हाँ कमेंट करके जाओ। आज की वीडियो में इतना, बाय बाय, गुड नाइट आप सभी को।